कैंपिंग कुम्पिंग भी करते हैं यहाँ पे? हाँ, मतलब भालू वगैरह का खतरा तो नहीं है? तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये होता है सीढ़ी नुमा खेत गाइस। इसमें क्या होता है ना, सॉइल इरोजन, जो कि आपने सॉइल इरोजन को हिंदी में क्या बोलते हुए, भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड भाई जी। यहाँ पुदीने क्या करें, ले ले इनको रूम के लिए, चटनी बनाएंगे इनकी। ओ भाई जी, आप बियर ग्रिल्स निकले। ये जो पेड़ आप देख सकते हैं उसको बीच से काटा हुआ है एक यूनिक तरीके से। व्हाट्सअप, दिस इज संजय चौहान, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मेरे साथ है मंडी जिला के सबसे पेर बंदे अभय भाई और बिजू भाई। अभी तक हम रूम में ही थे अपने, और अभी अभी पीयूष ने बोला चलते हैं कहीं, तो हम बैठ गए गाड़ी में। अब पता नहीं कहाँ ले जा रहा है बोल रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पर ये जो जगह आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सुंदर जगह है, मतलब बहुत ही ऑसम जगह है। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ से थोड़ी दूर है ये जगह, करीब 15-20 किलोमीटर दूर देवीदड़ नाम की जगह है। तो 4 साल हो गए मेरे को यहाँ, मेरे सारे दोस्त बोलते थे देवीदड़ घूमने चलो, बट मैं कभी नहीं गया। 4 सालों में आज आ रहा हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं शूट करने वाला हूँ ना, इसलिए मैंने बीजू भाई को बोल दिया तू पीछे बैठ जा, क्योंकि सामने से शूट करना थोड़ा आसान रहता है और ज्यादा डिटेलिंग दिखा सकता हूँ मैं फिर आपको। बहुत सारे गांव मिलते हैं यहाँ पे रास्ते में, उनमें से एक गांव है ये। इस गांव का नाम पता नहीं क्या है, इस गांव का नाम क्या होगा? गांव का नाम है द गांव। ये जो तंबूजे से दिख रहे हैं ना, जालियां लगी हैं, ये सेब के बगीचे हैं। इन सेब को प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं, ताकि ओले होते हैं ना, ओलों से बच सके, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो सेब को खराब ना करें। भाई हमारे मंडी के ही है और ये गांव भी मंडी में ही है, तो पूछते हैं अब भाई से क्या नाम है भाई जी इस गांव का। इस गांव का नाम मेरे को भी पता नहीं, अभी लगेगा पता, बोर्ड देखूंगा मैं कहीं तो दिख जाएगा मेरे को। बढ़िया प्रोटेक्शन लगा के रखे है सेबों पे, है ना। भाई साहब इस गांव का नाम क्या है? ये बाग भाई। बाग, ठीक है। देवीदड़ कितना दूर है यहाँ से? भाई 10 किलोमीटर। चलो गाइस 10 किलोमीटर रह गया अभी। यहाँ देखो गाइस, अभी भी पूरी तरह हिमाचल में गर्मियां नहीं आई है ना, इसलिए लकड़ियां इकट्ठा कर रखी है गांव वालों ने। तब सारे गांव वाले अब अपने घर में लकड़ियां इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि वो सर्दियों में इनको जलाएं और ठंड को दूर भगा सकें। इसलिए अरे गाइज हमारे को भूख लगना शुरू हो गई है ना, पर यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पे गूगल पे ही नहीं है, और हम में से एक भी कैश नहीं रखता अपने पास, सबके पास गूगल पे में ही है। पहले रख देते हैं, क्या होता भाई जी, ऐसी चीजें खानी भी नहीं चाहिए ज्यादा। ये क्या हो गया? वो ऊपर वाला है, मेरे इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं। 12 किलोमीटर टैनिंग साइट देवीदड़। हाँ यही है, ऊपर वाला बोला था ना मैंने, ऊपर वाला है। okay. यार गाइस सुनते नहीं है मेरी बात, ये हाउस वगैरह बना दिया, ट्री हाउस वगैरह ना बहुत सही चलेंगे। सोच रहा हूँ मैं बीजू भाई से थोड़ा सा पैसे उधार लेके मैं कुछ बना दूँ यहाँ पे। बीजू भाई करोड़पति बंदा है, मेरे को दो लोन निकालना है, ले ले जमीन बेचता हूँ, अपने घर की जमीन बेचता हूँ भाई जी। इतनी जमीन क्या बार, आप जमीन बेचने की जरूरत नहीं, आप पसंद है वैसा। बस भाई जी आपका ही चेला हूँ, लोन लेना पड़ेगा आपको भारत सरकार से, भारत सरकार को आपसे। बस भाई जी आपका ही चेला हूँ, अब आपका मैनेजर हूँ मैं। ओके ओके। कितने बढ़िया तरीके से घर बनाए हुए भाई जी, यहाँ देखो एक के बाद एक ऊपर तक सीढ़ी नुमा घर। सीढ़ी नुमा खेत तो सुना था गाइस, सीढ़ी नुमा घर पहली बार देखे। पंजाब राज्य यहाँ पे रुक दे। हाँ बस आओ गाइस, बाहर मजा लो जरा व्यू का, कितनी कमाल की जगह है भाई। तो जो मेरे बाहर के सब्सक्राइबर्स है ना, हिमाचल से बाहर के, उन्होंने शायद इतना अप क्लोज से सीढ़ी नुमा खेत नहीं देखे होंगे। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ ये होता है सीढ़ी नुमा खेत गाइस। इसमें क्या होता है ना, सॉइल इरोजन, जो कि आपने सॉइल इरोजन को हिंदी में क्या बोलते हुए, मृदा अपरदन, भूस्खलन पता नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, आप बताना गाइस कमेंट करके। तो ये भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड भाई जी। तो वहां देखो आप, वहां से स्टार्ट हो रहे हैं, पूरे सीढ़ी की तरह नीचे तक जा रहे हैं, बॉटम तक। वहां से देखो मतलब ये जितना भी आप देख रहे हैं ये करोड़ों का प्लॉट है, और यहाँ करोड़ों का बंदा है ये। अबे भाई फोटो खींचने दे। ले लो भाई जी ले लो। और यहाँ देखो, यहाँ से ऊपर भी सीढ़ी नुमा खेत है, और ऊपर बनाए हुए हैं लोगों ने घर, और जो ये घर है ये शायद ओनर होंगे इन जमीनों के। हमारे भी ऐसे ही है, बट मैं कभी आपको दिखाई नहीं, वो घर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा जरूर हमारे खेत भी। क्या बोले भाई, मेरे को आ गया टॉयलेट, थोड़ा कराता हूँ मैं कहीं पे खुले में। ठीक है जाओ भाई जी, अभी नहीं आया है। जाओ कर लो सुसु। जाओगे जब आएगा तब जाऊंगा ना। आया नहीं अभी, रुक गया कैमरा देख के।
पैसा ही पैसा है, रखने की जगह नहीं है भाई जी, रखे नहीं जा रहा। आज आ गया हूं अपने प्लॉट देखने में यहाँ पे। कैसा चल रहा है भाई जी काम यहाँ पे आपके प्लॉट में? पर इन्होंने साफ सफाई नहीं रखी थोड़ी यहाँ पे। हाँ सही बात है, वहाँ देखो। अरे पीयूष तेरे को दिया था काम ही रात को ना, ये क्या किया तूने यहाँ पे? अरे पी दी रात को पार्टी दी। ये क्या है? ओ भाई हाँ पता नहीं दिखेगा इसमें होना। देखो गाइस फ्लाइंग जेट। भाई जी इधर आओ वाला, यहाँ है पुदीने, क्या करें ले ले इनको रूम के लिए, चटनी बनाएंगे इनकी। सही में इसकी चटनी अच्छी होती है, जो हमने कल का मिला था हमारे को ऊपर भी आ रहा है, ले लेते हैं काम आएगी। यहाँ भी है और पुदीना मिल गया गाइस, इनको रूम ले जाके ना बढ़िया चटनी बनाएंगे इनकी। ये रखें काम यहाँ रख देता हूँ। अब चलते हैं मेन डेस्टिनेशन की तरफ हमारे, जहाँ हमें जाना है। पकड़िए रखा अपने पास। ये कहाँ से आ गई भाई बस? क्या हाल चाल? बढ़िया है, जा रहे हैं तक घूमने ठीक है। ये तो अपने जान पहचान के निकल गए, एक बार इनके साथ गए थे हम, हमारा जो टूर गया था एक ना यूनिवर्सिटी से, उस टाइम गए थे, ये बस हमने बुक की थी स्टूडेंट्स के लिए, तो तब इनसे मेरी जान पहचान हुई थी। लेट्स गो। हमारे अब्बू भाई बोल रहे हैं पुदीने की स्मेल आ रही है पूरी गाड़ी से, बोला फ्रेशनेस हो गई है, फ्रेश हो गया है पूरा यहाँ पे। इसको डाल देता हूँ यहाँ। ओ भाई धूल थी इसमें, साफ करना पड़ेगा इसको बाद में। यहाँ पे दोस्तों इतना ज्यादा घना जंगल है ना, ऐसा लग रहा है कि दिन में ही रात हो गई है। यहाँ नीचे जो पेड़ है ना, यहाँ पे बंदे कैंपिंग भी करते हैं, यहाँ पे स्पॉट होते हैं छोटे छोटे। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो जैसा कि अभी भाई ने इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ पे काफी ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं एग्जांपल के लिए। यहाँ दोस्तों एक बहुत ही मस्त जगह मिली हमें, एक ही किलोमीटर बचा यहाँ से देवीदड़ भाई। और इसमें भी फोटो खींचा है ना, उसकी लाइफ बेकार है। चलो फिर गाड़ी देख कर ले रहे हो आप, देख सकते हैं कि जो पी सकते हैं भाई जी आप। ओ भाई जी आप तो बियर ग्रिल्स निकले, बियर ग्रिल्स संजय चौहान बताएंगे आपको कि ऐसे में ना थोड़ा ध्यान से चलना होता है वरना फिसल जाते हैं। तो ये वाला पानी है वहां से आ रहा है, साफ ही होगा। अबे भाई पे भरोसा है हमें, नेचुरल वाटर है बिल्कुल, पहाड़ों से निकलता है ऊपर से। हाँ हाँ पता है मेरे को गाइस, नेचुरल वाटर है पीने के लिए। तो जिस जगह की मैं बात कर रहा था जो मेरे को दिखी थी वो यहाँ से है, तो चलो। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पेड़ों की जड़े, हो सकता है ये इस पेड़ की हो। हाँ इसी पेड़ की है, देखो। ओ भाई मोटी मस्त जगह है गाइस, कैंप कर लेते हैं यहाँ पे। कैंप करें, भालू हो गए हमारे साथ, हमारे आज शेर और भालुओं का हो जाएगा कैंप यहाँ पे। चलो गाइस मैं कुल्लू से हूँ तो मैं बताऊंगा कंपेयर करके कि कुल्लू का पानी ज्यादा ठंडा है या ये जो मंडी में ये वाली जगह है यहाँ का। ओ यार बहुत ठंडा है, छोटे बच्चे की तरह खुश हो रहे भाई। गाइस जरा चेक करो कितनी कमाल की जगह है भाई। आ जाओ मेरे भ्राता। तो बताओ गाइस धक्का दूं मैं इसको? खौफ है गाइस, खौफ। अबू भाई ये बहुत डरपोक गाइस लग रही है। यहाँ पे हमारे साथ हॉट बॉय संजू, बंदा न्यूली का, ठंडी लग रही है मेरी वजह से। तो गाइस यहाँ हमने गाड़ी लगा दी है, ये जो आप जगह देख रहे हो ये देवीदड़ विलेज है।
बहुत ही सुंदर विलेज है। आसपास आप देख सकते हो दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल है और बीचों बीच ये विलेज है। इन पेड़ों को कैसे काटा होगा बंदन, ऊपर कितने ऊपर चढ़ा होगा वैसे? हाँ चढ़ते हैं, मैंने देखे हैं गाइस मेरे गांव में ना जो ए वाले पेड़ होते हैं ना उस पे इंसान चढ़ते हैं, इस तरह चढ़ते हैं, ऐसे पेड़ों पे इंसान चढ़ते हैं ऊपर तक। और जो आप ये कटिंग की हुई देख रहे हो ना इस पेड़ में, ये इंसान नहीं किया होता है, टॉप तक जाके देवदार ये समझ रहा है, मेरे को पता ही नहीं है चंपकली नहीं क्या होता वो रहा। किसी की भी आपको यहाँ पे आवाज नहीं आएगी, पूरे गांव में बहुत ज्यादा शांति है, बस चिड़िया के चहचहाने की आवाज आ रही है। ये अभी भाई ने यहाँ पे गोबर किया हुआ है, ये एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, खेतों में काम आता है ना भाई। और क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? ये नेचुरल खाद है। नमस्कार जी, कैसे हैं? यहीं पे रहते हैं आप? इस गांव का नाम है ना देवीदड़? देवीदड़ बोलते हैं। हाँ, और क्या क्या है यहाँ घूमने? मेरा कुल्लू में है। हाँ जी, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। ये है नेर चौक से। हाँ जी, और क्या क्या है घूमने को यहाँ? कुछ नहीं, घूमने को ऊपर है मंदिर, ऊपर यहाँ पे थोड़े ऊपर है। अच्छा अच्छा, कोई गाड़ी का 2 मिनट का, गाड़ी में 2 मिनट का रास्ता है फिर मंदिर पहुँच जाएंगे। किन का मंदिर है वो? माता का है, माता मुडासुन। मुडासुन कैंपिंग कुम्पिंग भी करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कर सकते, मतलब भालू वगैरह खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं वो नहीं है यहाँ पे, करनी हो यहाँ पे नीचे कहीं भी कर सकते हैं कि कहाँ पे? नीचे भी, ऊपर भी कर सकते हैं। चलो ठीक है अंकल जी। यहाँ पे भी आग जलाई हुई थी शायद, पानी गर्म करते होंगे शायद यहाँ नहाने के लिए बाहर ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे गांव ऐसे देखे हैं जहाँ पे बाहर नहाने के लिए हांडी में पानी गर्म किया जाता है। वो भाई शाम के टाइम में आ रहे हैं लकड़ियाँ लेके गांव वाले, और वो भी मतलब एज्ड हैं ये बहुत। और ये देखो गाइस, अंग्रेजी भी मिल जाएगी गाँव में और देसी भी। और सबसे एक यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूँ जो आपने देखी नहीं होगी आज तक। ये देखो गाइस, यहाँ से पानी आ रहा है ना, ये जो पेड़ आप देख सकते हैं उसको बीच से काटा हुआ है एक यूनिक ही तरीके से, और फिर ये पानी यहाँ से जा रहा है और आगे से मतलब इधर और उधर गिर रहा है। तो यहाँ पे बाल्टी भरते हैं लोग और फिर वो वाला पानी यूज करते हैं पीने के लिए। और यहाँ की जो ठंड है ना, ये जो स्वेटर है ये भी कम पड़ रही है, इतनी ठंड लग रही है यहाँ। तो ये यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, ये ले जाने वाला था हमें सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर, और 25 किलोमीटर ले आया। ये देखो खुद आया हुई हुड्डी पहन के, बेचारे मेरे 2 भाइयों को कमीजों के साथ ले आया। जय माँ। Hey guys. तो guys, finally आ गए हैं आशीर्वाद लेके, अब चलते हैं रूम में करेंगे हम बहुत ज्यादा फन। अब्बू भाई ने मेरे को चैलेंज किया है पंजा लड़ाने के लिए, पंजा लड़ाने के लिए चैलेंज किया है, बताता हूँ इनको। रूम पहुंचते पहले वीडियो आएगी, भाई की सुनो सुनो इधर, तुम रूम पहुंच के ना, रूम पहुंच के लड़ाएंगे हम पंजा, ठीक है? चलो बताओ मेरे को, ठीक है लड़ाएंगे ना? मैं नहीं लड़ाऊंगा, चैंपियन कौन है? बताओ मेरे को चैंपियन कौन है? तुम दोनों मानते ना वैसे बराबर ही है, रूम में देख लेंगे, वीडियो दिखा तू फिर से भाई। नहीं नहीं भाई जी, सुबह वाली बोनी में कहीं डालूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ना, रूम पहुंच के लड़ाएंगे फिर से पंजा, फिर है भाई जिसका जो है वो है, ठीक है ना? चाहे कोई भी हारेगा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा कि ब्लॉग में नहीं जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो ऐसे मेरा छोटा भाई है, अगर मैं नहीं नहीं गाइस ये पहले ही बोल के रख रहे हैं, ऐसा नहीं भाई जी, पूरी ताकत लगा देना, अब लास्ट का है वो जाएगा ही जाएगा चाहे कोई भी जीते। सुन लो ना, मेरे रिस्ट टूटी हुई है पहले। चैंपियन फ्रॉम द राइट साइड अबे गुलेरिया फ्रॉम बंगलोर टू मंडी, मंडी जिले का सबसे फेयर है बंदा, और कुल्लू जिले का सबसे फेयर है बंदा फ्रॉम न्यूली संजय चौहान। बिल्कुल बिल्कुल, गो भागे पकड़ में।